हिंदी प्रकोष्ठ के जिला सभापति अमित गुप्ता द्वारा बैरकपुर के चिड़िया मोड़ में हिंदी दिवस का किया गया पालन, देखिए इसकी कुछ झलकियां। कृपया आप हमारे कार्यालय के अंदर है एवं बच्चों को मिठाई ये जो हमारे शिक्षक जो हिंदी पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं ये शिक्षक हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं। देश जब आजाद हुआ अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य भाषा बोला जाता था। अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ने में अगर कोई भाषा मजबूती प्रदान की है, योगदान दी है, तो वो हिंदी भाषा है जो सभी राज्य के लोगों को एक साथ जोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने में सहयोग दिया। भगत जी क्या कहेंगे आज जो है बैरकपुर अंचल में भी हिंदी दिवस का पालन किया गया। अमित आज सिर्फ बैरकपुर में नहीं, हम लोगों पूरा जिला में हम लोग का प्रोग्राम है। पहले हम लोग भाटपाड़ा से स्टार्ट किए हैं, आने वाले दिन में अभी भी पूरा क्षेत्र में हम लोग का हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और हिंदी हम लोग का देश को हिंदी भाषा से ही कनेक्ट किया जाता है कि वो राज्य जितना भी हो हिंदी, जैसा के मिश्रा जी बोले हिंदी जो है हम लोग को एक हृदय से हृदय को कनेक्ट किया जाता है पढ़ते हैं। और हिंदी भाषा आने वाले दिन में हम सबको जोड़ के रखेंगे, यही उम्मीद करते हैं। और हम लोग का जो इंस्पिरेशन है एमएलए सर राज चक्रवर्ती सर, उनके इंस्पिरेशन में हम लोग यहाँ पर बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। जैसा रमेश साहू ने बोला है, हम लोग चाहते हैं आने वाले दिन में और हम लोग यहाँ पर बच्चों लोग को पढ़ा पाएँ। आने वाले दिन में एडुकेशन हम लोग का फोकस है और कुछ और भी हम लोग लाने वाले हैं, जो हम लोग महिला को भी आने वाले दिन में एडुकेटेड करेंगे, जो लोग पढ़ना चाहता हो ऐसा कुछ हम लोग लेके आएंगे। ये आप लोगों को पहले से बता के रखें। आज के हिंदी दिवस हम लोग सब मुझे मना रहे हैं, बच्चे लोग को गिफ्ट दिया गया है, टीचर लोग को गिफ्ट दिया गया है। आने वाले दिन का कम्युनिटी में प्रोग्राम है, कुछ बारह सब में प्रोग्राम है सर, हम लोग और भी प्रोग्राम करेंगे आप लोगों को। महात्मा गांधी को कोट किए बिना हिंदी दिवस को नहीं समझ पाए। आज़ादी के लड़ाई के महानायक गांधी खुद गुजराती थे, उनका मदर टंग हिंदी नहीं था, लेकिन हिंदी के बारे में उन्होंने कहा हिंदी हृदय की भाषा, हृदय से हृदय ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हिंदी हिंदुस्तान में चलना ही चलना चाहिए, रोमन नहीं देवनागरी ही चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा अध्यक्ष मेरा अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे देश में ये पखवाड़ा मनाया सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तब महात्मा गांधी और आज श्रीमती ममता उपस्थित हैं हमारे घर हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पार्षद रमेश साहू जी उपस्थित है, दीपक कृष्णा जादव नवापाड़ा टाउन हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरुण है जनरल सेक्रेटरी, तमाम जो है हिंदी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हम लोग उपस्थित हैं और ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक हम लोगों ने यहाँ पर कायम किया। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह दीदी 70 से ज़्यादा प्रकल्प लाकर पश्चिम बंगाल के लोगों का उपकार कर रही है, लाभ पहुँचा रही है, हम लोग प्रार्थना करते हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री बने और जो प्रकल्प कला पश्चिम बंगाल के राज्य के लोगों को मिल रहा है वही प्रकल्प कला हमारे सारे देश के लोगों को मिले, सारे देश के महिलाओं को कन्या भंडार मिले, सारे देश के हमारे लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड का लाभ मिले, हमारे सारे देश के बच्चों को कन्या श्री सबूत साथी मिले, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिले। यही ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাক্সেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিংয়ের সুবিধে।